नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं ग्रो अप इंडिया। बिहार की सियासी उठापटक ने देश की राजनीति की सरगर्मी बढ़ा दी है। जी हां, नीतीश कुमार लगातार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया है और उनके साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण कर लिया है। और इन 8 मंत्रियों को देखते हुए लगता है कि जाति समीकरण को दिमाग में रखते हुए इन 8 मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई है। इस मौके पर नीतीश जी ने कहा कि अब सही जगह आ गए हैं, अब कहीं जाने का इरादा नहीं है। नीतीश कुमार ने रविवार शाम 5 बजे 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। शपथ ग्रहण के बाद सीएम ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा और साथ ही उन्होंने कहा कि अब कहीं जाने का सवाल पैदा नहीं होता है। हम आपको बता दें कि नीतीश जी ने आज सुबह 11 बजे इस्तीफा दिया था। इस्तीफे के साथ नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया था। इसके बाद दोपहर में भाजपा ने नई सरकार को समर्थन देने का औपचारिक ऐलान भी किया था। शाम 5 बजे हुए समारोह में नीतीश के साथ 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। मंत्रियों में मुख्यमंत्री, 2 कुर्मी, 2 भूमिहार और 1-1 राजपूत, दलित, कहार, कोयरी और यादव भी है। सभी का संक्षिप्त ब्यौरा कुछ इस तरह है। 2 ड्यूटी सीएम सम्राट चौधरी भाजपा, विजय सिन्हा भाजपा, मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार भाजपा, विजेंद्र प्रसाद जदयू, श्रवण कुमार जदयू, विजय कुमार चौधरी जदयू, संतोष कुमार सुमन हम और सुमित सिंह निर्दलीय शामिल हैं। इन मंत्रियों का बंटवारा देखते हुए दिमाग में आ जाता है कि जातीय समीकरण को दिमाग में रखते हुए इन्होंने इस मंत्रियों का बंटवारा किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही किया जाएगा। इसी के साथ मैं विकास आपसे विदा चाहूंगा। हर तरह के खबरों के लिए बने रहें ग्रो अप इंडिया के साथ। धन्यवाद।